हेलो एवरीवन, नाउ इस वीडियो में हम कुछ सैंपल डेटा लोड करेंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो क्विजेस का जो डेटा है वो मैं सैंपल डेटा लोड करूँगा और यूज़र्स का, तो 50 अबव यूज़र्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, सो वो सैंपल डेटा आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसका, यहाँ पर एक गिटहब का, तो यहाँ से जाके आप ये सैंपल डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये रिपोजिटरी है सैंपल डेटा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो क्लिक करेंगे आप क्लोन और डाउनलोड पे। अगर आपके पास गिटहब का सेटअप है तो आप ओपन इन डेस्कटॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड जिप पे क्लिक करके ये जो जिप फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो डाउनलोड हो चुकी है, सो इन फोल्डर करेंगे और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो हमने कहा एक्सट्रैक्ट टू, नाउ ये जो सैंपल डेटा है ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ओके, सो ये डेटा है जो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे कॉपी किया, इंटेलीजी आइडिया ओपन करेंगे और यहाँ पर हमको लोड करना है। सो मैं यहाँ पर ही जो यूटिल फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, यूटिल फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा न्यू पैकेज और फोल्डर। सो मैं यहाँ पर सैम्पल अंडरस्कोर डेटा, इससे एक पैकेज क्रिएट किया मैंने और इसमें मैं सारी जो हमारी फाइल्स थी वो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है सैम्पल डेटा में। ना उस यूटिल के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हम ये जो डेटा है उसको रीड करके उसमें सेव करेंगे। ओके, तो जो भी लॉजिक कोड होगा रीड करने का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर न्यू क्लास, न्यू जावा क्लास क्रिएट किया। ओके, सो यहाँ पर क्लास का नाम देना है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। मैंने कहा डेटा कलेक्टर, डेटा कलेक्टर डॉट जावा। ओके, सो ये डेटा कलेक्टर क्रिएट किया। सो ये यहाँ पर सैम्पल डेटा के अंदर बन चुका है, तो मैं इसको बाहर रखता हूँ यूटिल में। मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर मैंने कहा पेस्ट। सो मुझे इसको रखना है यूटिल में, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके जस्ट मैंने कहा रीफैक्टर। ओके, सो आप देखो यूटिल फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक डेटा कलेक्टर डॉट जावा है और यहाँ पर सैम्पल डेटा है, तो ये डेटा हम रीड करके सेव करेंगे डेटाबेस में। ओके, सो नाउ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेटा दिखाता हूँ जो API JSON है, API 0 JSON। तो इसमें आप देखोगे ये इसमें कैटेगरी है, यहाँ पर जो भी हमारा क्विज है उसकी कैटेगरी, तो मैं इसको क्विज का टाइटल सेट करूँगा और यहाँ पर टाइप मल्टीपल है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम ओके, तो मैं इस API JSON को ओपन कर लेता हूँ। रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र पे हमको जो जेसॉन है इसका डेटा दिखेगा। मेरे पास एक एक्सटेंशन है यहाँ पर। ओके, सो जेसॉन को मतलब अच्छे तरीके से हमें दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं जाऊँगा मोर टूल्स पे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ये है जेसॉन फॉर्मेट, ये है एक्सटेंशन मेरे पास, इसकी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर अलाउ इन इनकॉग्निटो मोड कर देता हूँ मैं क्योंकि इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहा हूँ। अलाउ उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो जो हमारा वेब पेज है इसे रीलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ना। सो आप यहाँ पे देखोगे ये इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट का एरे है और उस रिजल्ट में ये कैटेगरी मतलब कि क्विज टाइटल है और क्विज का जो करेक्ट आंसर है और उसका क्वेश्चन है और ये तीन इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, सो एक जो करेक्ट आंसर है वो भी हमारा एक ऑप्शन होगा। तो मेरे पास चार ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर दिया है और क्वेश्चन, इसको हम रीड करेंगे जेसॉन फाइल से और इसको सेव करेंगे डेटाबेस में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। तो जेसॉन के साथ हमको वर्क करने के लिए, जेसॉन को रीड करना है तो उसके लिए हम एक जार फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं इसको यहाँ से कट करके, मैंने इसको किया कट और सैम्पल डेटा में मैं एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा क्विजेस। ओके, सो इसमें मैं सारे क्विजेस हैं तो मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ और यूज़र डॉट जेसॉन में जो भी यूज़र का डेटा है वो है हमारे पास। ओके, सो क्लोज़ करते हैं इसको। नाउ सब कुछ क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से डेटा कलेक्टर और जावा को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड जो कि रीड करेगा डेटा को। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट क्लास नहीं, मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा प्राइवेट पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड हमने यहाँ पर कहा रीड क्विजेज डेटा, ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया। और ओके, सो ये क्या करेगा, क्विजेज डेटा को जो है रीड करेगा। ओके, और इसको सेव करेगा। सो मैं इसको कह देता हूँ रीड एंड सेव क्विजेज डेटा। नाउ जेसॉन को रीड करने के लिए हम यहाँ पर एक जार फाइल का यूज़ करेंगे जो कि जेसॉन के साथ काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो जाएंगे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में और इसके बाद मैंने कहा लाइब्रेरीज, तो मुझे लाइब्रेरी ऐड करनी है। प्लस पे क्लिक करेंगे जावा पे और जहाँ पर भी मेरी जावा की जो जार फाइल है वो रखी हुई है वहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जार फाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
सो सॉफ्टवेयर्स में मैंने सारे जार फाइल्स रखे हुए हैं प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर जार फाइल्स। ओके ये जेसॉन जार जिसका मैं यूज़ करूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो नाउ इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है नाउ। ओके सो इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मुझे सबसे पहले मुझे जो डेटा है हमारा उसको रीड करना है। सो फाइल रीड करने के लिए सर फाइल रीडिंग का यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमको फाइल के साथ वर्क करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर कहा न्यू फाइल। सो फाइल का आपको पाथ देना है, ठीक है। सो आपका जो रूट फोल्डर है src, यहाँ से आपको वो पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करना है जो भी आपका फाइल का पाथ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहेंगे फाइल में, सो मैंने कहा डबल कोट्स में फाइल का जो पाथ हो देंगे तो src/src के अंदर हमने कहा यहाँ पर util फोल्डर है, util स्लैश हमने यहाँ पर कहा सैम्पल अंडरस्कोर डेटा, और इसके अंदर स्लैश क्विजेस, और इसके अंदर हमने कहा API:0.json। ओके ये हमारा पास फाइल है, तो इस फाइल को मुझे रीड करना है। ओके सो नाउ यहाँ पर मैं एक system.out.println इस तरह से करके मैं यहाँ पर file.exist का पता कर सकता हूँ। अगर मैंने पाथ गलत दिया है तो file.exist मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर कहा system.out.println, और इस फाइल को भी प्रिंट कर देते हैं file.absolute path, तो जो पाथ है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। उसको रन करते हैं। ओके सो यहाँ पे मेन मेथड नहीं बनाया हुआ है मैंने, सो यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, और इस मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे। तो मैंने उसे स्टैटिक मार्क कर दिया ताकि हम इसको डायरेक्टली कॉल कर पाएँ। नाउ इसे रन करते हैं। रन हुआ तो यहाँ पर क्या आया, ट्रू आया, और जो फाइल का पाथ है वो आया, तो फाइल मुझे मिल चुकी है। नाउ मैं इसे रीड करूँगा। नाउ फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया है, सो मैं इसे अब रीड करेंगे। सो रीड करने के लिए हम यहाँ पर बफर रीडर का यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कहा बफर रीडर, बफर रीडर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा न्यू बफर रीडर, ठीक है। तो बफर रीडर को ऑब्जेक्ट चाहिए एक इनपुट स्ट्रीम का, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसको हम फाइल पास करेंगे और इसको हम यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम पास करेंगे, ठीक है। ओके सो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, सो इसको एक रीडर चाहिए, तो मैं यहाँ पर फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। ओके उसको चाहिए है फाइल, तो मैंने इसको फाइल पास किया, और यहाँ पर हमने कहा फाइल रीडर, तो सो फाइल रीडर मैंने उसको दे दिया ना। यहाँ पर हम रीड करेंगे, तो मैंने कहा बफर रीडर डॉट रीड लाइन। ओके सो मैं रीड लाइन का यूज़ करूँगा, तो ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अगर लाइन नहीं होगी तो ये मुझे नल रिटर्न करेगा। ओके सो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लाइन एक वेरिएबल क्रिएट किया। ओके और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ ना। यहाँ पर हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कहा लाइन इज इक्वल्स टू, इसको मैंने असाइन किया रीड लाइन, ठीक है। तो जो भी लाइन होगी वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पर। अगर लाइन नहीं होगी तो मैंने यहाँ पर कहा इज इक्वल टू नॉट नल, अगर लाइन अगर नल नहीं है तो हम अंदर आएंगे और वो लाइन है उसको हम जस्ट प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा system.out.println, और मैं इस लाइन को जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम देखेंगे कि जो भी जेसॉन में जो डेटा होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। रन करते हैं एप्लीकेशन को। सो लाइन रीड हुई और यहाँ पर सारा जो डेटा है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। सो आप देखोगे कि एक ही लाइन में पूरा डेटा यहाँ पर रीड हो चुका है। ओके सो नाउ इसको हम, अब लाइन हमको मिल चुकी है, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन होती तब हम क्या करते, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में उसको कनकेट करते। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बफर का यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर का। स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके हमने यहाँ पर कहा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया, और वाइल लूप में हम क्या करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, इसमें जो लाइन हम रीड की है उसको हम अपेंड करते जाएंगे और लास्ट में इस लाइन को प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैंने इसे यहाँ से कट किया, और हमने यहाँ पर कहा system.out.println, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बफर्ड को प्रिंट करूँगा, ठीक है। नाउ हमको ऐसे जेसॉन है इसको हमें पार्स करना है, तो इसके लिए हम जेसॉन की जो लाइब्रेरी उसका यूज़ करेंगे जिसके हेल्प से हम जेसॉन को पार्स करते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एक जेसॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। जेसॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा न्यू जेसॉन ऑब्जेक्ट। जेसॉन ऑब्जेक्ट को हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो कि डेटा होगा हमारा। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे, ठीक है। इसका API आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो मुझे इस पर एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है ना, उस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या रीड करना है। सो वापस आते हैं डेटा पर, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट पूरा मुझे मिल चुका है। इस ऑब्जेक्ट से मुझे रिजल्ट रीड करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट में क्या है, एक एरे है, तो वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको हम रीड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा जेसॉन ऑब्जेक्ट डॉट डॉट गेट जेसॉन एरे,
इससे मेरा मुझे मिलेगा जेसॉन एरे मिलेगा, लेकिन मुझे की पास करनी है, तो उसकी की यहाँ पर है, रिजल्ट है उसकी की, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने उसकी की पास की, तो ये मुझे जेसॉन एरे रिटर्न करेगा। सो इसको होल्ड करेंगे, हमने यहाँ पर कहा जेसॉन एरे ओके। सो जो भी रिजल्ट था वो मुझे मिल चुका है, इसका नाम रख देते हैं रिजल्ट्स, और इस रिजल्ट पर हमें इटरेट करना है, तो एक एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। सो नाउ इटरेट करेंगे, सो हमने यहाँ पर कहा रिजल्ट, हमने यहाँ पर कहा फॉर, हमने कहा इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस ओके। नाउ प्रिंट करेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है, उसमें एक एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं सबसे पहले, तो हमने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमने कहा रिजल्ट रिजल्ट डॉट गेट ओके। सो इसमें मैं इंडेक्स पास करूँगा, तो मैंने आई पास किया, इससे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर कहा जेसॉन ऑब्जेक्ट मिल चुका है ओके। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओ बी जे ऑब्जेक्ट ओके। सो ये मुझको एक जेसॉन ये ऑब्जेक्ट देता है मुझे, सो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा जेसॉन ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मुझे वहाँ से एक जेसॉन ऑब्जेक्ट मिलने वाला है ठीक है। तो मैंने इसको जेसॉन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया ओके। सो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है उसको सबसे पहले हम प्रिंट करके देखेंगे कि ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है ठीक है। मैंने इसको सेव किया और अब इसे हम प्रिंट करेंगे। सो मैंने इसको रन किया अगेन, एंड नाउ हम देखेंगे कि हमको एक एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिलेगा, क्विज ऑब्जेक्ट ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है ये मिलेगा, फिर देन सेकेंड ऑब्जेक्ट, वापस आते हैं यहाँ आप देखोगे ये मिल चुका है। सो एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, ये हमारा था ओवरऑल एरे और ये हमारा था एक एक ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे क्या दे रहा है, वो क्वेश्चन दे रहा है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा रिजल्ट डॉट गेट और यहाँ पर हमने कहा पास आई। नाउ उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो हमने कहा जेसॉन, उसको मुझे टाइप कास्ट करना है। सो हमने कहा स्ट्रिंग, या फिर आप क्या कर सकते हो उस पर टू स्ट्रिंग कॉल कर दो डायरेक्ट। सो मैंने यहाँ पर कहा टू स्ट्रिंग ठीक है। सो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो मिल जाएगी ना। जेसॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने कहा जेसॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू जेसॉन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं वो ऑब्जेक्ट पास करूँगा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, तो इससे मुझे जेसॉन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना। उस पर मैं इटरेट करके एक एक वैल्यू यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है। सो नाउ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट जेसॉन ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पर क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा क्विज क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, सो मैंने कहा क्वेश्चन डॉट ओके। सो क्वेश्चन क्वेश्चन इज इक्वल टू, वहाँ पर हमने कहा न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ हमने कहा क्वेश्चन डॉट सेट क्वेश्चन ओके। सो मैंने कहा डॉट सेट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुका है। इस ऑब्जेक्ट में जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो मैं इस क्वेश्चन की से एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है। सो मुझे पास जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है तो उस पर मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में मैं ये वैल्यू पास करूँगा क्वेश्चन, तो इससे मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने उसको सेट कर दिया। नाउ सेम हमको यहाँ करना है, हमने कहा सेट ऑप्शन वन, तो ऑप्शन वन हमको यहाँ पे सेट करना है, तो उसके लिए जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसमें तीन वैल्यूज़ हैं वो मुझको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ऑप्शंस सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा ऑब्जेक्ट डॉट डॉट गेट जेसॉन एरे, तो यहाँ से मुझे एरे मिलेगा ओके। तो इनकरेक्ट आंसर्स का मुझे एक एरे मिलेगा ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया जेसॉन एरे इनकरेक्ट ऑप्शंस ओके। ये आ गया, इस ऑप्शन से हम रीड करेंगे एक एक वैल्यू ओके। सो हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चन डॉट सेट ऑप्शन वन, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर कहा इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन डॉट गेट, तो जो पहला वैल्यू वो मुझे यहाँ पर चाहिए, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू वो मिलेगा, मैंने कहा टू स्ट्रिंग ठीक है ना। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी सेट करेंगे, तो हमने कहा क्वेश्चन टू एंड देन क्वेश्चन थ्री, और यहाँ पर हमने कहा वन और यहाँ पर टू। मैंने जो तीनों वैल्यूज़ थी ये रीड कर ली हैं, जो चौथा जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है उसको मैं करेक्ट आंसर से उठा लूँगा ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा एक फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होगा। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, एंड देन हमने यहाँ पर कहा रिजल्ट सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मुझे की पास करनी है इनकरेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो भी हमारा एक ऑप्शन है। सो मैंने इसे ऑप्शन नंबर फोर में सेट किया ओके आंसर। नाउ जो करेक्ट आंसर था वो सेट करेंगे, तो हमने कहा सेट आंसर, सो आंसर क्या होगा, जो करेक्ट आंसर की वैल्यू वही इसकी भी वैल्यू होगी, तो मैंने इसे इसको पेस्ट कर दिया ओके। सो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, इस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट को जस्ट हम प्रिंट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चन ठीक है। तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है वो हमने प्रिंट किया यहाँ पर, और जो बाकी का सब कुछ सर रिमूव कर देते हैं, परफेक्ट है।
सो नाउ इसको रन करते हो, देखोगे आप एक एक यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होगा। तो 10 क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किए। ये देखो आप इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो नाउ इस क्वेश्चन को हमें सेव करना है, लेकिन हमारे पास क्विज नहीं है, तो मुझे क्विज कैसे क्रिएट करूँगा? तो आप देखोगे हर एक रिजल्ट में कैटेगरी है, जो कैटेगरी है वो हमारा क्विज टाइटल है, तो सब में सेम है, तो इससे मैं एक क्विज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, सबसे टॉप पे मैंने यहाँ पर कहा क्विज 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 इज इक्वल्स टू न्यू क्विज, क्विज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्विज का टाइटल सेट करेंगे, तो हमने कहा क्विज डॉट सेट टाइटल। टाइटल मुझे कैसे मिलेगा? कैटेगरी की थे, सो मैंने कहा कैटेगरीज, और यहाँ पर हमने कहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं पास करूँगा कैटेगरीज, तो इससे मैं टाइटल सेट किया। ओके नाउ क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्विज को प्रिंट, मैंने क्विज को प्रिंट किया, सेव करेंगे, रन करते हैं इसको। रन किया तो लास्ट में क्या आया? एंटरटेनमेंट। ओके सो एंटरटेनमेंट जो म्यूज़िक का, ये जो है म्यूज़िक का क्विज है, ठीक है। तो क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ओके सो जो क्विज डॉट जावा है जो, उसमें एक मेथड है सेव करने के लिए, तो हमने कहा क्विज डॉट सेव। ओके क्विज डॉट सेव, इसको चाहिए क्वेश्चन, ये क्विज को सेव करता है और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सेव कर देता है, ठीक है। सो मैं इस मेथड में शिफ्ट होता हूँ, यहाँ आप देखेंगे जब मैं इसको सेव मेथड को कॉल करता हूँ। ओके सो यहाँ पर ये सेव मेथड जब मैं कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा? क्विज को सेव करेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सेव करेगा, ठीक है। सो इसको हम क्या पास करेंगे? क्विज का एक लिस्ट पास करना है, लेकिन मैंने लिस्ट नहीं क्रिएट किया, तो यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चन इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। नाउ इस एरे लिस्ट में क्वेश्चन को ऐड करेंगे, सो हमने कहा लिस्ट क्वेश्चन डॉट एड, ये एक क्वेश्चन दो था, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ क्विज डॉट सेव, और ये क्वेश्चन की जो लिस्ट थी वो हमने इसको पास करना है, तो हमने इसको पास किया, परफेक्ट। ओके सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ओके सो एरे लिस्ट पास करना है इसको मुझे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जाके हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस, सेव करेंगे, वापस आएंगे। ओके सो एरर नहीं है। नाउ इस मेथड को कॉल करेंगे, आप देखोगे कि एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके सो आप देखोगे यहाँ पर फॉल्स 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 प्रिंट हुआ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया हुआ है। ओके कोई दिक्कत नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन डॉट सेव किया है हमने, ठीक है, सो यहाँ पर 174 में हमने कहा दिस डॉट क्विज डॉट सेट क्विज आई डी, तो यहाँ पर जो क्विज आई डी है वो मुझे नहीं मिली है, ठीक है। सो दिस डॉट क्विज आई डी, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, जब हमने क्विज को सेट किया तो क्विज का जो आईडी है वो हमको नहीं मिला, तो इसका क्या रीज़न है? सो देखेंगे, क्विज डॉट जावा में जाएंगे, और यहाँ पर जब मैं सेव कर रहा हूँ तो मैंने इसको लिस्ट पास किया, क्विज को इसने सेव किया, क्विज आईडी मुझे मिल चुकी है। नाउ इस क्विज आईडी को जो हमने क्विज यहाँ पे एक्सेस किया है, इसको मैंने सेट नहीं किया है क्वेश्चन का, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन का क्विज है उसको मुझे इससे रिलेट करना होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमने करेंट क्वेश्चन क्रिएट किया है क्वेश्चन डॉट सेट क्विज, तो इसका जो क्विज है वो जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट था वही होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जो हमने क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो इस क्विज का आंसर, तो हर एक क्वेश्चन के साथ हमने इस क्विज को रिलेट किया, तो अब क्या होगा कि इससे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस क्विज का है, तो उसमें क्विज आईडी होगी, तो अब यहाँ पर एरर नहीं आएगी। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ। नाउ आप देखोगे आप यहाँ पर ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पर आप देखो सारा जो डेटा वो सेव हो चुका है, ठीक है। नाउ जो एसक्यूएल फाइल थी उसको हम यहाँ पर रीड करते हैं, देखेंगे उसमें डेटा आया कि नहीं। सो वापस आएंगे, ओपन करेंगे यहाँ पर क्रोम, यहाँ पर हमने कहा sqlite.online.com पे जाएंगे, हमने यहाँ पर कहा फाइल ओपन डीबी, डेटाबेस को लोड करेंगे, और यहाँ पर quiz.db, ओके आ चुका है। नाउ क्विजेस पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ गया एंटरटेनमेंट का एक क्विज आ चुका है, ये दो बार आया क्योंकि एक बार एरर थी उस टाइम पे सेव हो चुका था। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उस पर जाएंगे, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सेव हो चुके हैं। ओके सो यहाँ पर ऑप्शन 4 नल प्रिंट हुआ, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, ये एरर है कहीं पर, नल आ रहा है। ओके सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑप्शन 1 यहाँ पर सेट किया, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करना है मुझे, सेव करेंगे, और यहाँ से जो क्विज डॉट डीबी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके मैंने इसको डिलीट किया। नाउ अब जब वहाँ पे डीबी ही नहीं है, तो जब मैं फाइल को रीड कर रहा हूँ तो इस टाइम पर ना डीबी है ना टेबल है, तो मुझे वो टेबल क्रिएट करनी होगी पहले। उस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले, रीड करने से पहले मैं यहाँ पर कॉल करूँगा टेबल का मेथड, टेबल क्रिएट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर कहा क्विज डॉट क्रिएट टेबल एंड देन क्वेश्चन QUES question, ओके क्वेश्चन डॉट क्रिएट टेबल, ठीक है।
सो नाउ क्रिएट टेबल का जो कोड है वो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन डॉट क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर मैंने कहा क्रिएट टेबल क्वेश्चन, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखोगे मैंने जो रॉ में पास किया है, सबसे पहले यहाँ पर क्विज आईडी पास किया है, तो यहाँ पर क्विज आईडी नहीं, मुझे जो टेबल का नेम है वो पास करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा टेबल नेम, और यहाँ पर जो आईडी है यहाँ पर मुझे आईडी पास करनी है, तो मैंने यहाँ पर कहा क्वेश्चन आईडी। ओके परफेक्ट, सेव करेंगे। नाउ डेटा टेबल को, जो डेटा कलेक्टर उसको रन करेंगे, और दोनों टेबल क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद हमने सेव किया डेटा, रन करते हैं उसको। ओके सब कुछ सेव हो चुका है, हो रहा है। वापस आते हैं क्विज डॉट डी बी को ओपन करेंगे। हमने कहा फाइल, फाइल ओपन डी बी, क्विज डॉट डी बी ओपन किया। क्विजेस में जाएंगे तो हमारे पास एक क्विज है, इसका आईडी वन है। ओके देन क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्विज आईडी इसका वन आ रहा है, और सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं। इस तरह से हमको सारी फाइल्स हैं उन सबके लिए यहाँ पर रीड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी फाइल उन सबके साथ मुझे यही चीज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा और हर फाइल के साथ यही चीज़ परफॉर्म करूँगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो फाइल का जो पाथ है वो तो यही रहेगा। सो मैं इसको पाथ को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कहा बेस पाथ इज इक्वल्स टू, बेस पाथ इज इक्वल्स टू। ओके सो ये हमारा बेस पाथ होगा यहाँ तक के लिए। ओके सो ये यहाँ तक जो पूरा पाथ है इसको मैं कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने इसको कहा पेस्ट। ओके सो ये जो वैल्यू है 012 इसको मैं रन टाइम पे रखूँगा, तो इसकी जगह पे मैं परसेंट डी का यूज़ कर लेता हूँ, जो वैल्यू वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर मेरे पास बेस स्ट्रिंग हो गई है। ओके बेस पाथ। नाउ यहाँ पर हम फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कितने बार चलाएंगे ये जो प्रोसेस कितने बार होगी, जितनी यहाँ पर फाइल्स हैं। तो फाइल को मुझे सबसे पहले रीड करना है, ठीक है। तो मैं इसको रीड कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ जो बेस पाथ है मेरा, इस बेस पाथ है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पर कहा फोल्डर, फोल्डर फोल्डर पाथ। ओके फोल्डर पाथ है मेरे पास। सो स्ट्रिंग मैंने कहा फोल्डर पाथ, तो मेरे फोल्डर का पाथ क्या है, क्विजेस तक, ठीक है। सो क्विजेस तक है यहाँ पे, हमने कहा डबल कोट्स में रैप करेंगे इसको। ना ये फोल्डर पाथ है मेरे पास, इस पाथ से मैं पता कर सकता हूँ मेरे क्विजेस फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कहा फाइल, फाइल फाइल फोल्डर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर कहा न्यू फाइल, और इस फाइल को पाथ कर पास करेंगे फोल्डर पाथ। और यहाँ पर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पर कहा फोल्डर पाथ डॉट डॉट डॉट। ओके सो यहाँ पर मुझे करना है फोल्डर, फोल्डर डॉट लिस्ट फाइल्स। तो इससे मुझे एक फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा, लिस्ट करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब कि फाइल के जो नेम है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं फाइल के मुझे नेम मिल जाएंगे इससे, तो मैं इसे स्ट्रिंग एरे में होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं इसे स्ट्रिंग एरे में होल्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे फाइल नेम्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर कहा फोल्डर, फोल्डर डॉट लिस्ट फाइल्स। ओके सो लिस्ट फाइल्स। ओके फाइल्स जो है मुझे स्ट्रिंग वाला चाहिए है, सो मैं यहाँ पर कहूँगा लिस्ट। सो लिस्ट से मुझे क्या मिल जाएगी, फाइल, सारी फाइल्स के नेम मिल जाएंगे। तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और नाउ यहाँ पर हम इसको एक एक को प्रिंट करेंगे। सो हमने कहा फॉर, हमने कहा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फाइल नेम इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा फाइल नेम और फाइल नेम्स। ओके तो इस पर मैं इटरेट करूँगा। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पर कहा फाइल नेम, ये फाइल नेम आ चुका है। नाउ ये जो भी है इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ अभी। ओके सो ये जो भी कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, डन। सो मैंने इसको कमेंट कर दिया। सो यहाँ पर जस्ट मैं भी फाइल नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, सारे फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट होंगे, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ। आप देखोगे ये सारी फाइल्स के जो नेम है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो एक एक फाइल पे हम अब इटरेट करके ये जो परफॉर्म था ये कोड वो कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको इसके लूप के अंदर रखेंगे इस तरह से, और ये जो कोड है इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं। परफेक्ट। नाउ ये जो फाइल नेम मुझे मिला है, इस फाइल को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो ये जो फोल्डर का पाथ था इसके बाद मुझे फाइल नेम कॉन्कैट करना है, ठीक है। सो मैं कहूँगा यहाँ पर न्यू फाइल जो मैंने क्रिएट करना है वो जो हमारा फोल्डर पाथ है उसमें मैं प्लस करूँगा
स्लैश करूँगा, स्लैश करने के बाद ये जो फाइल नेम है वो मुझे यहाँ पे पास करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा प्लस और ये जो फाइल नेम है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो इस तरह से मैं एक फाइल पे ये जो सेम चीज़ थी रीडिंग की वो परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ इसे सेव करते हैं और अब आप देखोगे जो जो भी 7 फाइल्स हैं ये जो 7 बार लूप चलेगा और 7 बार ये फाइल सेव होंगी, ठीक है। रन करते हैं इसको। ओके सो ये आप देख रहे हो सारा जो क्विज है और जो सारा डेटा है वो यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। ओके कोई भी एरर नहीं आ रही है। नाउ वापस आते हैं हम SQLite में, SQLite ऑनलाइन पे, और यहाँ से फाइल को ओपन करेंगे, ओपन DB, एंड देन यहाँ पर quiz.db को सेलेक्ट करेंगे, क्विज इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, जो 7 जो हमारे पास टोटल 7 नंबर 7 हमारे पास क्विजेज हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरह से म्यूज़िक 2 बार आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो उसको डिलीट करके आप इसको दोबारा करेंगे तो 7 जो क्विजेस हैं वो आ जाएंगे। 7 क्विजेस हैं ना, क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देखो टोटल 106 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर क्विज आएगी। जो सैम्पल डेटा था क्विज का वो हमने यहाँ पर लोड कर लिया है। इस तरह से आपको यूज़र का डेटा लोड करना है, तो आप अपने एंड पे पहले ट्राई कीजिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं यूज़र का डेटा रीड करके यूज़र टेबल में सेव करूँगा। ओके इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।